Hello everyone and welcome to the video lecture series of Microsoft Power BI. Power BI kya hai? Power BI kyun use karte hain? Power BI kab use karte hain? Power BI kaise use karte hain? And Power BI ko karte kaun log hain jo Power BI use karte hain? In sari cheezon ke bare mein main aap logon ko pura bataungi. Is video ye video series bahut acha aur bahut important hone wala hai kyunki isme main bahut sari cheeze bataungi jo ke aapke liye bahut important hai aur aapke career ke liye bhi bahut important hai. तो चलें लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा पावर बीआई का जो ये मैं लेक्चर सीरीज अपलोड करूंगी वो किस तरीके से करूंगी कि मैं पावर बीआई जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड की है और स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है उसको फॉलो करूंगी ताकि कोई चीज मिस ना हो पाए और आपका भी एक जो है वीडियो लेक्चर का जो स्टैंडर्ड है वो भी मेंटेन रहे कि एक पूरा एक रोड मैप के ऊपर चलते हुए आपको ये कोर्स फिनिश करवाऊंगी इंशाल्लाह. ठीक है, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि पावर बीआई है क्या. पावर बीआई इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एप्स एंड कनेक्टर्स दैट विल वर्क टुगेदर टू टर्न आउट अनरिलेटेड सोर्सेज ऑफ डेटा इनटू कोहेरेंट विजुअल इमर्जेंट इंटरैक्टिव इनसाइट्स. फॉर एग्जांपल आपके पास जो है आपकी कंपनी है जो कि आप सेल्स और ये सारी चीजें देख रहे हैं तो आप कब तक आप एक्सेल की शीट या कब तक आप एक स्प्रेडशीट के थ्रू अपने जो है सेल्स और डिमांड्स और ये सारी चीजों को देखते रहेंगे. ठीक है, किसी क्लाइंट को समझाना हो या कुछ भी करना हो तो वो बहुत ज्यादा बोरिंग और लेस इंटरेक्टिव होता है. तो पावर बीआई का मकसद ये है कि कहीं भी और किसी भी वक्त आप इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर आप अपने डैशबोर्डिंग देख सकें, आप अपने रिपोर्ट्स देख सकें, आप अपने प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकें. सो बेसिकली दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ पावर बीआई. ठीक है, अब मैं रोड मैप बता दूं कि मैं किस तरीके से इसका कोर्स कवर करवाऊंगी. तो सबसे पहले मैंने इसको चार मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है. पहला मॉड्यूल है प्रिपेयर द डेटा, इसमें मैं डेटा को कैसे इंसर्ट करना है, पावर बीआई के ऊपर कैसे लेके आना है, सॉरी पावर बीआई के ऊपर कैसे लेकर आना है, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं, हम कौन कौन से सोर्सेज से पावर बीआई में डेटा इम्पोर्ट कर सकते हैं, क्या हम एक्सेल शीट से कर सकते हैं, क्या हम एसक्यूएल सर्वर से कर सकते हैं, क्या हम किसी भी वेबसाइट सिंपल वेबसाइट जैसे विकिपीडिया के ऊपर से हम कोई डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं. तो इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगी. ठीक है, उसके बाद डेटा को प्रिपेयर कैसे करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एक्सेल की शीट है जिसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं या कुछ रॉज है जिसमें नल वैल्यूज हैं, तो इसका तो हमें कोई काम नहीं है ना, तो हम डेटा को सिंप्लीफाई भी करेंगे. तो ये सारी चीजें हम प्रिपेयर द डेटा में कवर करेंगे. ठीक है, मॉडल द डेटा करेंगे कि डेटा मॉडलिंग किस तरीके से हो सकती है, डेटा के आपस में क्या रिलेशनशिप्स हैं और डेटा को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट इन द मॉडलिंग ऑफ द डेटा. विजुअलाइज एंड एनालाइज द डेटा, कि दिस इज द मेन पार्ट, क्योंकि हमारा जो पावर बी आई इट्स ऑल अबाउट द विजुअलाइजेशन. ठीक है, कि विजुअलाइजेशन और एनालिसिस एनालिटिक्स का टूल है, तो ये हमारा मेन काम जो देखने वाला काम है या फिर जो नोटिस करने वाला काम है वो थर्ड मॉड्यूल होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिप्लॉय एंड मेंटेन एसेट्स. ठीक है, अब हमने एक प्रोडक्ट बना तो लिया, अब हम इसको कहीं भी यूज करना चाह रहे हैं या कहीं भी, तो ये सारी चीजें हम इसको देखेंगे. सो ये चार मॉड्यूल्स हैं और चारों मॉड्यूल्स कवर करवाऊंगी. ठीक है, पार्ट्स ऑफ पावर बी आई. पावर बी आई के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, एक पावर बी आई डेस्कटॉप भी है. ठीक है, जिसमें हम रिपोर्टिंग बना सकते हैं या रिपोर्टिंग कर सकते हैं, डैशबोर्ड बना सकते हैं. पावर बी आई के क्लाउड के ऊपर भी मौजूद है, ऑनलाइन सर्विसेज भी है पावर की, जिसको हम पावर बी आई सर्विस कहते हैं. ठीक है, पावर बी आई मोबाइल के ऊपर भी है. ठीक है, आईओएस पे भी है और एंड्रॉइड डिवाइसेस भी है. ठीक है, पार्ट्स ऑफ पावर बी आई देखिए, पार्ट्स ऑफ पावर बी आई डेस्कटॉप ऐसा दिखता है, पावर बी आई सर्विसेज कुछ इस तरीके से दिखता है, पावर बी आई मोबाइल कुछ इस तरीके से. अच्छा, पावर बी आई की कुछ और भी चीजें हैं जैसे पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर. पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर हम क्यों यूज करते हैं, हम पेजिनेटेड रिपोर्ट्स को शेयर करने के लिए, पावर बी आई सर्विसेज को जो हम शेयर करते हैं पेजिनेटेड रिपोर्ट को, पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर के थ्रू हम क्रिएट करते होते हैं. ठीक है, पावर बी आई रिपोर्ट सर्वर क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल है या वेब पोर्टल कह सकते हैं जिसमें हम अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं. ठीक है, अब होता ये है कि हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं पावर बी आई के. वी हैव पावर बी आई मोबाइल, पावर बी आई डेस्कटॉप, पावर बी आई ऑनलाइन, पावर बी आई ये चीज है. तो हम कौन सा पावर बी आई यूज करें, तो ये आपकी सर्विसेज पे डिपेंड करता है कि आपने क्या है, आपका क्या टास्क है और आपको क्या और आपका गोल क्या है जो आपको अचीव करना है. तो पावर बी आई का वो पार्ट यूज करें जिसकी आपको जरूरत है. पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर, पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर. ठीक है, पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर ऐसी चीजें जिसमें हम पेजिनेटेड रिपोर्ट्स बना सकते हैं. ठीक है, सिंपल ये भी वही एनालिटिक्स और डैशबोर्डिंग का ही टूल है जिसमें हम
पेजेस के, पेजेस इन फॉर्मेट, अच्छा पेज के फॉर्मेट में हम रिपोर्ट बनाते हैं, और वो उसको रिपोर्ट को प्रिंट आउट करना और ये सारी चीजें करना उसको आसान हो जाती है। पावर बी आई रिपोर्ट बिल्डर, पेज जनरेटेड रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, पावर बी आई रिपोर्ट सर्वर क्या है? एक ऑनलाइन या फिर वेब पोर्टल है जिसमें हम अपनी पावर बी आई रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं। ठीक है, पावर बी आई डेस्कटॉप और पावर बी आई सर्विसेज की अगर कंपेरिजन की बात की जाए तो इसमें बहुत कम सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, पावर बी आई डेस्कटॉप का सबसे बड़ा फायदा ये कि हम बहुत सारे डेटा सोर्सेज से डेटा आपको इम्पोर्ट कर सकते हैं या डेटा को लेकर आ सकते हैं। इस पर हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से इसकी शेपिंग और मॉडलिंग कर सकते हैं, हम इसमें मेजर्स लगा सकते हैं, हम इसमें कॉलम्स कैलकुलेट कर सकते हैं, हम इस पर पाइथन की स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, पावर बी आई सर्विसेज में हमारे पास लिमिटेड डेटा सोर्सेज होते हैं, इसमें हम डैशबोर्डिंग करते हैं, इसमें हम शेयरिंग करते हैं, इसमें हम पेज जनरेटेड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों में जो कॉमन है वो यही है, हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, हम बुक मार्क्स क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें आर के विजुअल्स बना सकते हैं। सो गाइस, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, और आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा होगा टुवर्ड्स पावर बी आई। पावर बी आई का स्कोप आज की मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैंने खुद भी पावर बी आई को स्टडी किया और मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि पावर बी आई के इम्पोर्टेंस का मुझे पता लग चुका है कि हाउ इम्पोर्टेंट पावर बी आई इज एंड हाउ इज हाईली पेड जॉब आ रही है मार्केट में पावर बी आई के ऊपर। तो अगर आप ये टूल सीखते हैं तो आपकी करियर के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, अगर आपको मेरा ये सारा कुछ पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मुझे भी थोड़ी सी एप्रिसिएशन मिले। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए गुड बाय।